अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग एनीमे लवर हो तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और अगर आप लोग को हमारा चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बात करेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड की, जो कि एक एडेप्टेशन है एक एनीमे का। अब ये एक लाइव एक्शन शो है जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 41 मिनट से लेके 53 मिनट्स के बीच में ही है, और ये हिंदी में नहीं है, ये सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज में देखने को मिलता है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। लेकिन यहाँ पर वीडियो मत रोकना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उसके बाद आप लोग इस सीरीज को ज़रूर चेकआउट करोगे। फिर आप बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ पर हमें 3 दोस्त नज़र आते हैं, अरिसु, करुबे और छोटा। तीनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और अरिसु जो है वो वीडियो गेम खेलने का बहुत शौकीन है लेकिन इसको काम नहीं करना है। करुबे एक जगह जॉब करता है लेकिन फिलहाल अभी वहाँ से फायर हुआ है, यानी कि इसको निकाला गया है। और जो तीसरा है छोटा, एक फैमिली से बिलोंग करता है, जॉब भी करता है लेकिन ये फिलहाल इतना ज़्यादा खुश है नहीं। अब ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं और थोड़ा हंसी मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ये तीनों दोस्त एक पैरेलल टोक्यो पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, पूरा पूरा शहर खाली है। अब इन तीनों को वहाँ पर अगर रहना है तो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे गेम्स खेलने पड़ेंगे जिसके बाद ही उनको वहाँ पर रहने का वीज़ा मिलेगा। और एक वीज़ा के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि हर एक प्लेयर को वीज़ा तब मिलेगा जब वो उस गेम को जीतेगा, और वो गेम को जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि उस गेम में घुसना मतलब ज़िंदगी और मौत से जूझना है। खैर, अब आपको इस पूरी सीरीज़ में यही देखना कि ये तीनों दोस्त इस पैरेलल टोक्यो से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या वो लोग इस गेम को सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, उसके अलावा इस गेम को बनाया किसने, और ये लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हुए कैसे, और क्या कुछ है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए आपको तो ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। फिर अब बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको इन तीनों दोस्तों के अलावा और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे उन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। और मैं आपको इतना ही कह दूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर शो में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया, लेकिन स्पेशली जो ये तीन दोस्त है इनके बीच की जो केमिस्ट्री, इनकी जो बॉन्डिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली इनसे अटैच कर देंगे। उसके लिए शो में इमोशंस पे अच्छा खासा काम किया, जिस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं कुछ और कैरेक्टर से भी इजीली कनेक्ट हो जाते हो, और थोड़ी सिचुएशन को भी आप लोग इजीली समझ पाते हो। उसके बाद शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जिस तरह से उन्होंने टोक्यो को यहाँ पर पिक्चराइज किया और एक बोलते हैं पूरा का पूरा खाली शहर दिखाया, वो तो यार एक अलग ही बात है। और इस शो में कुछ जगहों पे सीजीआई का भी यूज़ किया है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। शो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से कहानी को ग्रिपिंग रखा गया, यानी कि फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक आप लोग पूरी तरह से शो में एंगेज रहते हो। ये शो जिस क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हुआ, यानी कि जहाँ पर इसका सीजन 1 ख़त्म हुआ है, वहाँ से आपको वेट ही नहीं होगा कि इसका सीजन 2 कब आए। शो के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो यहाँ पर इंप्रेसिव सुनने को मिलती है, जो इस तरह की शोज में और भी ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बना देती है। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ एक्टर्स ने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया, कुछ एक्टर ने थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग की है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे यहाँ पर एक्टर्स का परफॉर्मेंस डिसेंट ही लगा। और अगर इस शो की अगर नेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर हर एक एपिसोड जो 50 मिनट की है उससे ज़्यादा के, तो मेरे हिसाब से अगर वो 45 मिनट या 40 मिनट के होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इन 8 एपिसोड में हर जगह पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा सा आपको एपिसोड ड्रैग करते हुए नज़र आती है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके के शोज़ देखना पसंद है तो ये शो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखना, ये सिर्फ यूथ और एडल्ट्स के लिए बनाया गया शो है। मैं इसको डेफिनेटली 8/10 दूंगा, मुझे ये शो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना, बाय।